एनआरओ मतलब अलग अलग होगा, सीआरओ होगा, ईआर होगा, लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना है या आपके पास आई होप होगा। एक बार के लिए मैं इसको वीडियो को पॉज करता हूं ताकि मैं बच्चे की आइडेंटिटी को छुपा सकूं। हाँ जी, तो लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह की स्क्रीन दिखेगी। मैंने स्क्रीन के अंदर जान के वो स्टूडेंट जिसकी मैं आईडी यूज कर रहा हूँ उसकी आइडेंटिटी छुपा दिया। वैसे मैं आपको बता दूं ये जो प्रोसीजर है ये सीए फाउंडेशन, सीए इंटर और सीए फाइनल के लिए एब्सोल्युटली सेम होने वाला है, कोई भी फर्क नहीं है। ऑल्दो आई एम यूजिंग द आईडी ऑफ सीए फाउंडेशन स्टूडेंट, मगर आप सीए इंटर में और फाइनल में तो भी आपको प्रोसीजर सेम मिलेगा। अब आप यहाँ पर अगर देखोगे आपके सामने चार ऑप्शन दिखेंगे यहाँ पर, और आपको ऑप्शन में कौन से जाना है, यहाँ पर इन्होंने करेक्शन विंडो ओपन करी है। इस करेक्शन विंडो वाले ऑप्शन में आपको जाना है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो एडिट ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, यू हैव टू प्रेस ऑन एडिट एंड देन प्रोसीड फर्दर। हाँ जी, जैसे आप आगे जाओगे आपके सामने एक पॉपअप स्क्रीन आएगी और उस पॉपअप स्क्रीन पे कुछ इस तरह की इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं। वैसे तो आप इंस्ट्रक्शंस पढ़े बिना सीधा आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड द वर्क भी कर सकते हो, मगर अभी हम क्योंकि सीख रहे हैं तो एक बार इसको रीड करके देखते हैं कि इसमें लिखा एक्जैक्टली क्या क्या है। सबसे पहली पॉइंट जल्दी से रीड करते हैं, दिस विंडो इज ओनली फॉर फ्रेश सबमिशन ऑफ एग्जाम फॉर्म एंड इज ओनली मेंट फॉर चेंजिंग द सेंटर और ऑप्टिंग आउट। वो कह रहा है बेसिक बाकी डिटेल्स आप बदल नहीं सकते हो, इसके अंदर या तो सेंटर बदल सकते हो या ऑप्ट आउट कर सकते हो, दैट्स इट। कैंडिडेट्स कैन एक्सेस द पोर्टल बाय क्लिकिंग अप्लाई नाउ, हमने कर लिया, करेक्शन विंडो पे अप्लाई नाउ करा है। फॉलोइंग डिटेल्स आर देयर, ये वाली डिटेल ऑटोमेटिकली आएंगी जैसे मैं आगे जाकर प्रेस करूंगा ना इस बटन को, आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड। ये चार डिटेल आपको मिलेंगी, नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, सेंटर, ऑप्ट आउट, यानी एक्जिस्टिंग डिटेल आपको दिखेंगी। एग्जामिनेशन सेंटर इज डिस्प्लेड ऑन विद रिगार्ड टू द एग्जामिनेशन फॉर्म अप्लाइड, पहले जो एग्जामिनेशन सेंटर आप भर चुके हो वो एग्जामिनेशन बाय डिफॉल्ट आपको दिखेगा। कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू आइदर चेंज और ऑप्ट आउट, और इसके अंदर ये चीज लिखा है कि अगर आप ओवरसीज कैंडिडेट हो तो भी उसको चेंज कर सकते हो। जिन बच्चों ने ओवरसीज सेंटर भर रखा है, बहुत लिमिटेड नंबर होगा, वो भी अब उसको इंडिया में कर सकते हैं, वाइस वर्सा वो भी किया जा सकता है। ये चीज उन्होंने क्लियर कर रखी है कि एक बार आपने ऑप्शन ले लिया उसके बाद आप इस ऑप्शन को बदल नहीं सकते हो। और नवंबर के अंदर जो आपकी दूसरी चीज, अगर आप ऑप्शन ले लेते हो ऑप्ट आउट का, जो भी आपने फीस पे करी है मई अटेम्प्ट के लिए, वो नवंबर में एडजस्ट हो जाएगी। ये कोई नई बात नहीं है, ये ऑलरेडी आईसीए ने अपने अनाउंसमेंट में बोल दिया था। अगली चीज, एक बार आपने ये चीज कर दी उसके बाद फिर से करेक्शन नहीं होगी, तो बड़े ध्यान से इस चीज को करना। रिक्वेस्ट शुड बी मेड बाय द स्टूडेंट एंड नॉट बाय एनीवन एल्स ऑन दिस बिहाफ। इसके लिए आईसीए ने क्या इंश्योर किया अभी मैं आपको बताता हूं। फैसिलिटी विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेप्ट फॉर डिफरेंशियल एग्जामिनेशन फीस। ध्यान देना, डिफरेंशियल एग्जामिनेशन फीस तभी आएगी जब आप ओवरसीज सेंटर को चूज कर रहे हो, अगर आप विद इन इंडिया सेंटर चेंज कर रहे हो कोई डिफरेंशियल एग्जामिनेशन फीस नहीं आएगी। तो इस पॉइंट को पढ़ के कंफ्यूज मत हो जाना। पॉइंट नंबर 10 इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो बच्चे सेंटर चेंज करवाना चाहते हैं। अगर आप सेंटर चेंज करना चाहते हो तो पॉइंट नंबर 10 क्या कह रहा है, द कैंडिडेट शुड अपलोड अ स्कैंड कॉपी ऑफ द हैंड रिटन एप्लीकेशन इन दिस रिगार्ड ड्यूली साइंड बाय हिम सीकिंग द करेक्शन रिक्वायर्ड, अनलेस दिस कंडीशन इज कंप्लाइड विद द कैंडिडेट विल नॉट बी एबल टू सबमिट द करेक्शंस ऑनलाइन। सिंपल भाषा में बोलूं तो आपको अगले पेज पे सेंटर तो चूज करना ही करना है, मगर आपको एक हैंड रिटन रिक्वेस्ट लेटर लिखना है। पहले उसको पेपर पेन से लिखना, उस पर साइन करना, फिर उसकी स्कैन, उसको अपने फोन से स्कैन करके, फोन के अंदर बहुत सारी एप्स होती हैं ऑब्वियसली आपको पता होगा अभी तक कि फोन से आप स्कैन कर सकते हो, काफी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता इसलिए छोटी सी चीज को मैं बता रहा हूं। कुछ नहीं समझ में आ रहा, कैम स्कैनर नाम की एक ऐप आती है वो यूज कर लेना, चाइनीज ऐप है, इसलिए मुझे ये मत बोलना सर बॉयकॉट चाइना के, आपने चाइनीज ऐप का नाम क्यों लिया, इसका कोई सब्स्टिट्यूट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो कैम स्कैनर नाम का एक ऐप मुझे पता है वो यूज कर सकते हो। फोन से स्कैन करने के बाद पीडीएफ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। अब अगली चीज आएगी सर लिखना क्या एप्लीकेशन के अंदर, तो मैं आपको एक परफॉर्मा एप्लीकेशन बना के दे रहा हूं। ये परफॉर्मा एप्लीकेशन मैंने बनाई है, बड़ी सिंपल सा, जान के मैंने टेक्स्ट सिंपल रखा है। ये परफॉर्मा एप्लीकेशन आप, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करो, अपने हाथ से लिखो, उस पर साइन करो और उसकी स्कैन कॉपी को अगली विंडो अभी जो मैं ओपन करूंगा उसमें अपलोड करना है। लैंग्वेज बहुत ही सिंपल रखी है मैंने जान के इसके अंदर कि सर वन लाइनर है, बस ये इन्फॉर्मेशन आप ढंग से दे देना कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, पहले कौन सा सेंटर था, अब कौन सा सेंटर है, लास्ट में साइन करना है, दैट्स इट। इसको हाथ से लिखना है। इस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली चीज, ये तो हो गया उन बच्चों की बात जो बच्चे सेंटर बदलना चाहते हैं। जो बच्चे ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, इन केस यू डिसाइड टू ऑप्ट आउट ऑफ द एग्जाम एंड इन लियू यू वांट टू अपीयर इन नवंबर एग्जाम, तब भी आपको एक अंडरटेकिंग देनी है। और वो अंडरटेकिंग कैसे देनी है उसका परफॉर्मा आईसीआई ने दे रखा है यहाँ पे क्लिक करके। अगर आप देखोगे क्लिक है, अभी मैंने यहाँ पे इसकी फोटो क्लिक कर रखी है, अदरवाइज हेयर वर्ड पे क्लिक करोगे परफॉर्मा आ जाएगा। वो परफॉर्मा कैसा दिखता है वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। परफॉर्मा वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसके अंदर प्री रिटन अंडरटेकिंग आईसीआई ने दे रखी है। तो दोनों केसेस में आपको कुछ ना कुछ अपलोड करना है, सेंटर चेंज करोगे तो भी अपलोड करना है, अंडर अगर ऑप्ट आउट करोगे तो भी अपलोड करना है। ठीक है जी, इसके बाद आप आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड पे क्लिक कर सकते हो। हाँ जी, जैसे उस बटन पर प्रेस करोगे आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी जिसके अंदर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके सामने दे रखी होगी कि आपने ऑलरेडी क्या क्या चूज कर रखा है। अब अगर आपने चेंज करना है तो आप प्रेस किस पे करोगे, चेंज रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे आपको वो दो ऑप्शन देगा चेंज रिक्वायर्ड में। पहले मैं बात करता हूँ सेंटर चेंज की। सेंटर चेंज पे जैसे आप प्रेस करोगे आपके ऑटोमेटिकली ऑप्शन चेंज हो जाएंगे। आपको नए सेंटर के बारे में बताना है, नए सेंटर में आपको चूज करना है कौन से रीजन में हो, लेट्स से आप दिल्ली में हो तो नॉर्दर्न रीजन, और एग्जामिनेशन सेंटर आपको चूज करना है। एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर लोगे आप, उसके बाद यहां पर आपको अपलोड करनी है वो पीडीएफ डॉक्यूमेंट जो अभी मैं बात कर रहा था। सेंटर चेंज की जो एप्लीकेशन है ना जो हमने डिस्कस करी, जो हैंड रिटन आपको लिखनी है उसका स्कैन पीडीएफ वर्जन यहां पर अपलोड करना है एंड सेव कर देना आपको, दैट्स इट, इट इज एंड ऑफ द इशू। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करनी होगी ओवरसीज सेंटर के केस में करनी है, ओवरसीज सेंटर वाला केस नहीं है तो कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं है, तो प्रोसीजर इज डन। अच्छा, अब आते हैं ऑप्ट आउट वालों के पास। अगर ऑप्ट आउट करना है तो प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। जैसे आप ऑप्ट आउट पर सेलेक्ट करते हो सिर्फ आपसे क्या मांगेगा, हैंड रिटन एप्लीकेशन, और ये है वो एप्लीकेशन जो आप हैंड रिटन आपको सबमिट करनी है। एक बार इसको भी रीड कर लेते हैं। ये फॉर्मेट आईसीआई ने प्रिस्क्राइब किया है, क्लिक हेयर में वहां पर आपको दिख जाएगा। आई डैश अपना नाम लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, और ये सारी चीजें ऑलरेडी आईसीआई ने प्रिंट करके दी है। बेसिकली सिंपल भाषा में इनको पढ़ो तो यही चीजें रखी है, मैं वॉलंटरली ऑप्ट आउट कर रहा हूं, आई अंडरस्टैंड मेरी एग्जामिनेशन फीस हो जाएगी, आई अंडरस्टैंड मैं वापस अपने ऑप्शन को चेंज नहीं कर पाऊंगा, ये सारी चीजें जो हमें बेसिक पता है वो यहाँ पर डिक्लेरेशन के रूप में दे रखी है। अच्छा, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज जो आईसीआई ने क्यों करी है मुझे नहीं पता, मगर वो पेरेंट्स के सिग्नेचर भी मांगा है।
यूजुअली जो भी आप फॉर्म भरते हो आईसीआई के उसमें सिर्फ कैंडिडेट के सिग्नेचर होते हैं, मगर इस बार आईसीआई ने पेरेंट्स के सिग्नेचर भी मांगे हैं, बस सिर्फ किस केस में, फाउंडेशन के केस में, फाउंडेशन स्टूडेंट्स के केस में। उसको लगा कि बच्चे थोड़े यंग हैं, अभी मैच्योर नहीं हुए हैं, तो पेरेंट्स के सिग्नेचर भी यहां चाहिए, इंटर वालों को और फाइनल वालों को नहीं चाहिए, फाउंडेशन वालों को पेरेंट्स के सिग्नेचर भी कराने हैं। हैंड रिटन एप्लीकेशन, आई एम रिपीटिंग अगेन, ये हैंड रिटन लिखनी है, फिर इसके ऊपर साइन करना है, पेरेंट्स से साइन कराने हैं, इसकी स्कैन कॉपी लेनी है, पीडीएफ में कन्वर्ट करना है उसको, और फिर वो पीडीएफ यहां पर अपलोड करके सेव एंड प्रीव्यू कर देना है। दैट इज द प्रोसीजर, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। आई थिंक ये प्रोसीजर आप सबको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट्स होने नहीं चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई डाउट्स आते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे बता देना, इंस्टाग्राम आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। आई थिंक वी आर डन विद दिस वीडियो, हम समझ में आ गया। डू शेयर इट विद एनीवन हु इज इंटरेस्टेड इन मेकिंग एनी अदर टू चेंजेस, एंड आई विल मीट यू इन द अदर वीडियोस। एक चीज मैं सजेशन दूंगा, शाम को आईसीआई के कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन आने हैं, जब तक वो नहीं आते तब तक आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज मत करो। एक बार एफएक्यू आने तो शायद उस एफएक्यू के बाद आपका मूड बदल जाए या कुछ भी हो सकता है, एफएक्यू आने की वेट कर लेना, सिर्फ 17th of June शाम तक वेट आपको करना है। आई सी यू इन द अदर वीडियो एफएक्यू आने के बाद। थैंक यू सो मच।